हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्राफ्ट विद साक्षी। आज मैं आपके साथ एक नहीं 6 क्राफ्ट शेयर करूंगी और साथ में इन 6 क्राफ्ट को आप बहुत डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हो? हाँ। तो भाइयों और बहनों, लास्ट तक ज़रूर देखना और बताना ज़रूर कौन सा आइडिया आपको ज़्यादा पसंद आया। और हाँ, साथ में एक लाइक, चैनल सब्सक्राइब। इतनी मेहनत की है तो इतना तो डिज़र्व करती हूँ ना। इतना सब कुछ किया है तो एक कृपा और करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना। और अब शुरू करते हैं। 3, 2, 1, let's go। तो ये सारे हमारे पुराने दिया और कुल्हड़ हैं जो मैं इसको यूज़ करूँगी अपने आज के क्राफ्ट वीडियो में। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक्रेलिक मॉडल एयर ड्राई क्ले। इसे मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया था। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप परचेज कर सकते हो। तो मैं हार्डनर एंड रेजिन को मिक्स कर ली थी और सेंटर में मैं बड़ी वाली दिया रख रही हूँ और इसके चारों तरफ मैं इस तरह से छोटी वाली दिया को अरेंज करते हुए रख दी हूँ। और मैं फेबिकॉल की हेल्प से इसे पूरा अच्छे से क्ले के साथ हम चिपका देंगे और सारे ज्वाइंट को एक साथ हमें इस तरह से चिपका देना है। फिर हम इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे हमारा ये ड्राई हो गया था, मैंने इस पर जैसो अप्लाई करना शुरू कर दिया। फिर मैंने जैसे जैसो अप्लाई किया, फिर मैंने सोचा जैसो अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं डायरेक्ट कलर करने के बारे में सोचने लग गई। और इस तरह से मैंने सब कलर कॉम्बिनेशन सोच लिया था। और सेंटर के लिए मैं कुछ ज़्यादा कलरफुल रखना चाहती थी तो कंपास की हेल्प से मैंने सर्कल ड्रॉ किया और वन बाय वन मैं सभी लेयर्स को कलर करना शुरू कर दी थी। और अगर आप इस तरह के दिया बना रहे हैं तो आप इसे एज आ रंगोली, एज आ डेकोरेटिव आइटम में भी यूज़ कर सकते हैं। बस लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं यहाँ पे येलो कलर ले रही हूँ और उसके बाद मैं ले रही हूँ ब्लू कलर। और ऐसे ही मैं सारे कलर कॉम्बिनेशन को वन बाय वन यहाँ पे अप्लाई कर दूँगी। देन मैं ले रही हूँ रेड कलर ग्रीन कलर से और ऐसे ही मतलब सारे दिया जो हैं मैं उन सबको कलर कर लूँगी। तो मुझे ना सबसे ज़्यादा ये अपना स्काई ब्लू कलर प्यारा लगा। तो जैसे ही हमारा फर्स्ट लेयर ड्राई हो जाता है मैं तुरंत सेकेंड लेयर कलर करना शुरू कर दी हूँ। तो सबसे पहले इस तरीके से हम सारे लेयर को कंप्लीट कर लेंगे। और इस तरह से मैंने यहाँ पे इसे पूरा अच्छे से कलर कर लिया। और जो आप ये ब्लू देख रहे हैं पिंक के बगल में, वो हमारा ब्लू नहीं है, वो एक्चुअल में पर्पल कलर था। और बस मैं एक फॉर्म शीट लेती हूँ, उस पर सिल्वर कलर अप्लाई करके कुछ इस तरह से इसे हाईलाइट कर दूँगी। तब मैं ले रही हूँ यहाँ पे डायमंड शेप मिरर और कुछ इस तरीके के मिरर्स जो मैं सेंटर पार्ट में लगा रही हूँ। और इसकी मैं टोटल 2 लेयर लगाने वाली हूँ। और जो ये बड़ी बड़े से हमारे गैप हैं मैं उसको कवर करते हुए ये डायमंड शेप के मिरर लगा रही हूँ। तो इस तरह से हमारा ये क्राफ्ट कंप्लीट हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। तो मैंने ले लिए अपने ये सारे कुल्हड़, मेरे पास टोटल 4 रखे हुए थे। और इसको क्लीन करते करते एक कुल्हड़ टूट गया, फिर मैंने एक कुल्हड़ और ढूंढा और मुझे मिल गया। तो फिर फटाफट से मैंने इसको रिमूव किया, बट मिरर निकालते टाइम ये भी ब्रेक हो चुका था। बट मैंने इसमें एयर ड्राई क्ले लगा के इसे थोड़ा सही कर लिया। और सबसे पहले मैं एक कुल्हड़ दे रही हूँ जिस पर मैं फैब्रिकॉल अप्लाई कर ली थी। देन मैं यहाँ पे क्ले लगा के इसे अच्छे से इस तरह से डमरू शेप में मैं कर लूँगी। और ऊपर की साइड में मैं एक बड़ी वाली दिया रख रही हूँ। तो अब मैं छोटे छोटे कुल्हड़ पे ये बस ये क्ले लगा के इसमें बड़ी वाली दिया लगा लूँगी। तो इस तरह से हमारा ये दोनों क्राफ्ट कंप्लीट हो जाता है। फिर मैं यहाँ पे ब्रश की हेल्प से इस तरह से डिटेलिंग्स कर रही थी। देन मैंने फिर से इसके क्लीन करने की पूरी कोशिश की
और फिर इस तरह से मैंने अपने सारे कुल्हड़ को इस तरह से रखा और फिर मैंने अपना जैसो लिया और ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुका था। फिर मैंने इसमें वाटर मिक्स किया और फटाफट से मैं अप्लाई करना शुरू कर दी। तो बस इसे इस तरह से जैसो अप्लाई कर लिया और एक कोट में ये काम नहीं करने वाला था, तो मैंने इसमें लगभग 2 कोट कंप्लीट कर लिए थे। तो इस तरह से मैंने सारे जो हमारे कुल्हड़ वाले क्राफ्ट थे उस पे जैसो अप्लाई कर लिया था। और फटाफट से अब मैं अपना येलो कलर ले रही हूँ और इन सबको मैं फटाफट से अप्लाई कर दूँगी। तो मैं ले रही हूँ अब ये रेड कलर और इसको भी मैं यहाँ पे कंप्लीट कर लूँगी। मैंने काफ़ी अच्छे कलर कॉम्बिनेशन सोच के रखे थे। आप भी अपने अकॉर्डिंग कैसा भी कलर कॉम्बिनेशन रख सकते हो। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये DIY बनाने में मैंने पूरी मेहनत की है। इस DIY को बनाने में मैंने ना पूरे 2 दिन लगाए हैं। अब भाई इतना मेहनत मैंने किया है तो मैं इतना डिज़र्व तो करती हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी मैं दिवाली क्राफ्ट से रिलेटेड ही लाने वाली हूँ और ऐसे कई ढेर सारे मैं डेकोरेशन आइटम एंड पेंटिंग वगैरह सब कुछ अपने चैनल पर मैं शेयर करती रहती हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और देखते ही देखते मैंने इन तीनों को कलर कर लिया था। मैं ना बड़ी वाली दिया ले रही हूँ जिसमें मैं कुछ इस तरीके से पिंक शेड को कलर कर लूँगी, एक फ्लावर पेटल्स बना लूँगी। तो बस ऐसे ही मैंने यहाँ पे सोच रखा था कि मैं डार्क टू लाइट शेड में जाऊँगी और ऐसे ही मैं यहाँ पर सबसे पहले लाइट शेड फ्लावर पेटल ड्रॉ कर रही हूँ। 1 by 1 मैं ऐसे सारे पेटल्स को कम्प्लीट कर रही हूँ और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। आपको कैसा लगा है आप ज़रूर बताना। और बस ये हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब मैं यहाँ पे इसे हाईलाइट करने के लिए गोल्डन शेड ले रही हूँ। और बस ये मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब क्यूट लग रहा है यार, मुझे तो नज़र ना लग जाए इस मतलब क्राफ्ट को। और बस ऐसे ही मैंने यहाँ पर इसे पूरा हाईलाइट कर लिया। तो आप सिल्वर या गोल्डन किसी भी कलर से आप कर सकते हो। और देखते ही देखते मैंने यहाँ पे इन सबको हाईलाइट कर लिया था और फिर मैं यहाँ पे गोल्डन कलर ले रही हूँ फॉर्म शीट पे और इस तरीके से मैं यहाँ पे इसे अप्लाई कर दूँगी और फिर मैं यहाँ पे इसे नीचे वाले पार्ट पे भी हाईलाइट कर लूँगी और मैं कुछ मिरर लूँगी जिसे मैं इस पर लगा दूँगी। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। तो 4 DIY के लिए मैंने लिया है पाइप, बैंगल्स एंड अपने पुराने दिया। तो नीचे की साइड में मैं यहाँ पे दिया में क्ले और पाइप को मैं अटैच कर दूँगी क्ले की हेल्प से ही। और फटाफट से मैंने इसे छोड़ दिया ड्राई होने के लिए। जब तक हमारा ये ड्राई होता है मैं यहाँ पे कुछ पेटल्स बना ले रही हूँ ताकि मैं इसमें नीचे की साइड में लगा पाऊँ। तो कुछ इस तरीके से पहले मैंने ग्लू लगाया और 1 by 1 मैं यहाँ पे सारे पेटल्स को अरेंज कर दूँगी। मैंने यहाँ पे टोटल 6 पेटल्स बनाए हुए थे और इसे मैंने ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। देन मैं यहाँ पे दिया को कुछ इस तरीके से अरेंज कर रही हूँ कि टोटल कितनी दिया हमारी इसमें लगने वाली है। तो टोटल 6 दिया मैंने इसमें यूज़ किया है। और बात करें ओवरऑल पूरे दिया की तो मैंने टोटल 8 दिया यूज़ किए हैं। तो बैंगल को मैंने कुछ इस तरीके से शेप में कन्वर्ट कर लिया था और 1 by 1 यहाँ पे इसे मैं फंसा दूँगी एज अ हुक। तो फिर से ले लो अपने क्ले, अगर आपके पास क्ले नहीं है तो आप एमसील का यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैंने इसे अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। तो अब मैं फ्रंट साइड में कुछ इस तरीके से क्ले को अप्लाई कर रही हूँ। देन जैसे ये पूरा ड्राई हो जाता है मैं यहाँ पर इसे कलर करना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने स्पॉन्ज की हेल्प से इसे पूरा अच्छे से कलर करना शुरू कर दिया था और ये हमारा जो पेंट था वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड था तो मैं हाथों में ग्लव्स वगैरह पहनकर कंप्लीट कर ली थी। देन मैं सेकेंड डे इसकी कोटिंग कर रही हूँ और ये मैंने एक्रेलिक ले लिया था और जो हमारा पेंट था मैं उसमें इसे मिक्स कर दी थी। तो इस तरीके से मैंने इसे पूरा कंप्लीट कर लिया। देन मैं यहाँ पे डायमंड शेप मिरर और कुछ राउंड शेप के मिरर मैं ले रही हूँ और इसे मैं कुछ इस तरह से अरेंज करते हुए इन सबको मैं लगा दूँगी।
तो ये DIY मेरी माता श्री को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और फिर नीचे की साइड में मैं मिरर लगा दूंगी। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। मैं यहाँ पे एक बड़े साइज़ का कुल्हड़ ले रही हूँ और ये अपना क्ले ले रही हूँ, तो मैं यहाँ पे इसे एक पेटल की शेप में पूरा कन्वर्ट कर लूँगी और कुछ इस तरीके से मैं इसमें डिटेलिंग्स भी कर लूँगी। और ऊपर की साइड में मैं यहाँ पे राउंड शेप में पहले क्ले को अप्लाई कर लूँगी, देन मैं यहाँ पे फैब्रिकॉल की हेल्प से पूरे पेटल्स को इस तरीके से वन बाय वन लगाना शुरू कर दूँगी। तो मैंने ना अब तक के जो भी क्राफ्ट आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, इसमें से आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद आया है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि आप लोगों के ही कमेंट से मुझे उम्मीद मिलती है। तो बस देखते देखते मैंने इसे पूरा कंप्लीट कर लिया था, देन मैं फिर से ले रही हूँ अपना फैब्रिकॉल ग्लू और कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर सेंटर में एक राउंड क्ले का लगा दूँगी और फिर तो ऊपर से लेकर के सेंटर तक के पार्ट में हम यहाँ पे एक क्ले की ऐसे लाइन बना देंगे बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर मैं यहाँ पे नीचे की तरफ में फिर से क्ले लगा रही हूँ और बस ये हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है बस। तो जैसो मैंने पहले से ही लगा रखा था और अब यहाँ पे मैं कलर करना शुरू कर रही हूँ। भाई आप लोगों ने एक बात नोटिस की है, मैंने आज जो भी कलर किए हैं सबसे पहले मैंने येलो से ही स्टार्ट किया है। आपने अभी तक का ये नोटिस नहीं किया होगा तो मैंने यहाँ पे लगभग सारे जो क्राफ्ट हैं उनका कलर कॉम्बिनेशन एक हद तक सेम रखा है, ताकि मैं इसको एक डिफरेंट तरीके से मैं यूज़ करके आपको बता सकूँ कि हम इसे कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये सारी चीज़ें शेयर की है। और बस यहाँ पे मैं पिस्ताचो कलर ले रही हूँ और इसे मैं फटाफट से कलर कर दूँगी, देन मैं लोटस फ्लैटर्स को पिंक फ्लावर से कलर कर लूँगी और ये हमारा हो जाता है कंप्लीट। और जैसे हमारा ये कंप्लीट होता है मैं गोल्डन शेड इस पर कलर कर लूँगी। और अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3D आउटलाइनर, तो 3D आउटलाइनर की हेल्प से मैं इस तरीके से जो हाईलाइट वाले पार्ट थे मैं उसे हाईलाइट कर दूँगी और बस ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ मिरर और मिरर को मैं लगा दूँगी इसमें और ये रहा इसका फाइनल लुक। मैं यहाँ पे फर्स्ट DIY एंड थर्ड DIY की कॉम्बिनेशन को इस तरीके से रखी हूँ जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो रंगोली वाली दिया के साथ मैंने रखी है अपने छोटे छोटे दो और इसके साथ भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। और बस ये देखते जाओ मैंने कैसे कैसे इसे रखा है।